बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 359 केंद्रों पर 33,567 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,107 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 26,075 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर AN प्रसाद ने बताया कि जनपद में फर्स्ट डोज 96%, सेकेंड डोज 86.86%, 15 साल से 17 साल तक के बच्चों का 61% तथा बूस्टर डोज 54.35% वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक कोविड टीकाकरण के फर्स्ट डोज से बचे हुए हैं, वह जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करा लें और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर AN प्रसाद ने कहा, मैं पहले तो अपने जनपद वासियों को धन्यवाद दे दूं कि अब तक सभी के सहयोग से हम फर्स्ट डोज के लिए 96% उपलब्धि हमारी हो चुकी है पहले डोज के लिए। आज जनपद में 339 जगह पर कोविड टीकाकरण के सत्र लगे हुए हैं। हर सभी सत्र पर सभी एज ग्रुप के का वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ में प्रिकॉशन डोज भी लगाए जा रहे हैं। अब तक जनपद में फर्स्ट डोज मैंने 96% के आस लगभग फर्स्ट डोज लग गए हैं। सेकेंड डोज 18+ के लिए 86.86%, 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों का लगभग 61% का टीकाकरण हो चुका है, और 15 से 17 में सेकेंड डोज के लिए भी अब लाभार्थी आ रहे हैं, और उसमें भी मैंने अब तक जनपद में लगभग 5% की उपलब्धि हो चुकी है। प्रिकॉशन डोज जो हमारा जनवरी का टारगेट था, उसके हिसाब से मैं 93% काम हो चुका है, लेकिन आज फरवरी का टारगेट रिवाइज हो गया है हमारा, और उस फरवरी के टारगेट के हिसाब से प्रिकॉशन डोज हम लोग 54.35% पर हैं। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही है कि सभी जनपदवासी, कोविड की तीसरी लहर थोड़ी कमज़ोर जरूर पड़ गई है, लेकिन अपने जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उससे विमुख ना हो और पूरी तरह से तन्मयता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाएं, भीड़भाड़ से बचें। जो अभी तक भी किसी भी एक डोज से बचे हुए हैं कोविड के टीकाकरण से, वो जितना जल्दी संभव हो अपना वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।